Hey everyone, my name is Jerry and today we are playing Pokemon Ash Gray version. तो शुरू करते हैं। फिलहाल मेरे पिकाचू की लेवल 7 है और वो हमें बढ़ानी है और नए पोकेमॉन्स भी पकड़ने हैं। तो हम ये बोर्ड देख लेते हैं और इस एपिसोड में हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, जैसे कि पोकेमॉन पकड़ने हैं और वेरिडियन सिटी से बाहर निकलना है, मतलब दूसरी सिटी में जाना है। तो पहले तो हम जिम देख लेते हैं। ये जिम है तो अंदर जाके ट्राई करेंगे। तो ये अभी कह रहे हैं मुझे कि इनका जो बॉस है, जो जिम ट्रेनर है, वो फ़िलहाल बिज़ी है, तो हमें ये जिम बाद में इस जिम में आना होगा। तो अब हम फॉरेस्ट में हैं, वेरिडियन फॉरेस्ट में हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं वेरिडियन फॉरेस्ट। तो अब हमारे सामने एक कैटपी है, फीमेल कैटपी। मुझे फीमेल वाली कैटपी नहीं चाहिए, मुझे मेल वाला कैटपी चाहिए। तो हम पहले तो हम उसे ढूंढ लेंगे। राइट साइड पे ये बोर्ड है, इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। ये हमारे टिप्स के लिए है, मतलब इस गेम में जो भी टिप्स होंगी, मतलब क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, तो वो पढ़ लेंगे पहले। तो इस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें कोई भी पोकेमॉन पकड़ना है तो पहले उसकी हेल्थ कम कर लो और फिर उसे पकड़ो। अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर उसके पोकेबॉल में आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और उसकी हेल्थ ज़्यादा होगी और तब हम उन्हें पकड़ेंगे तो फिर वो एस्केप कर लेंगे कभी कभी, या फिर आ भी सकते हैं। तो हमें पिज्जी दिखा है, पिज्जी हमें नहीं चाहिए, तो रन करते हैं। यहाँ पे एक पोकेबॉल है, इसमें से कुछ आइटम मिलेगा तो वो ले लेंगे। बेसिकली मुझे इन पोकेमॉन से फाइट ही नहीं करनी। हमें पोशन मिला है क्योंकि इनमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि इस फॉरेस्ट में बहुत सारे पोकेमॉन हैं। तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। वापस एक पिज्जी दिखा है हमें। हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता जल्दी ही ढूंढना होगा क्योंकि ये फॉरेस्ट बहुत बड़ा है। तो अब हमारे सामने एक मेल कैटपी आ गया है, तो रहने दो, हम बाद में पकड़ लेंगे कैटपी। ओके, ये कौन सा पोकेमॉन है? तो ये है पिजी ओ टू। ओके, ये पिजी का सेकेंड वर्जन है, तो पिजी ओ टू हम पकड़ लेंगे क्योंकि मुझे बहुत ताकतवर दिख रहा है ये। तो पिजी ओ टू हम पकड़ लेंगे। ये पिजियोटो बहुत पावरफुल है, उसने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्थ कम कर दी है और हमने उसकी भी हेल्थ बहुत कम कर दी है। उसकी देखो रेड हो चुकी है। तो अब हम पोकेबॉल यूज़ कर लेंगे कि मेरे पास पोकेबॉल्स है क्या है, 5 पोकेबॉल्स है, तो अब हम वो यूज़ कर लेंगे उस पर। ओके, जैसे उस टिप्स जो थे वहाँ पे, उसमें लिखा था कि पहले पोकेमॉन की हेल्थ कम करो और फिर पोकेबॉल से उसे पकड़ो, तो हमने बिल्कुल वैसे ही किया है। और हमारे पास एक नया पोकेमॉन है, पिजियो टू।
तो फिलहाल इस पिजियोटो की हेल्थ बहुत कम है, तो हम पहले पोकेमोन सेंटर जाएंगे और इसे ठीक कर लेंगे वहाँ से। सबसे पहले तो जल्दी जल्दी पोकेमोन सेंटर चले जाते हैं और अपने पोकेमोन्स की हेल्थ बढ़ा लेते हैं। तो फिर से पोकेमोन आ गया है हमारे सामने, ये सेम पोकेमोन है जो पहले था, पर ये उसका मेल वर्जन है, तो इससे भी हम रन नहीं करेंगे। तो यार जल्दी जल्दी से चलते हैं। और ये कौन सा पोकेमोन आ गया है अब? ये मेल वाला है ना, चलो कैटपी पकड़ ही लेते हैं, क्योंकि हमें कैटपी चाहिए ही था और ये भी मेल वाला ही है, तो इसे हम पकड़ ही लेंगे। तो इस कैटपी को हमने पोकेबॉल में पकड़ लिया है और हमारे पास और एक पोकेमॉन आ चुका है और वो कैटपी है। अब हमारे पास तीन तीन पोकेमॉन्स हो चुके हैं, तो अब हम जल्दी से अपना एडवेंचर शुरू कर देंगे, मतलब दूसरे सिटी में चले जाएंगे और पोकेमॉन मैचेस लड़ लेंगे। चलो पहले तो हमें जाना है पोकेमॉन सेंटर, तो चलो पोकेमॉन सेंटर चलते हैं और तीनों पोकेमॉन के हेल्थ बढ़ा लेंगे। वेरिडियन सिटी में आ चुके हैं। ओके, ये सामने पोकेमॉन सेंटर, चलो अंदर। ओके, जल्दी जल्दी से पोकेमॉन्स की हेल्थ बढ़ा देंगे। ओके, फ्यू सेकेंड्स, हो गया, हमारे पोकेमॉन्स की हेल्थ बढ़ चुकी है। चलो जल्दी जल्दी से हम वापस वेरिडियन फॉरेस्ट में चले जाते हैं। अभी मुझे याद आया कि यहाँ हमारी बहुत सारे बैटल होने वाले हैं, तो इसलिए हम पोशन ले लेते हैं पहले, तो क्योंकि जब हमारी हेल्थ कम हो जाएगी तो हमें बार बार यहाँ पे आना होगा, पोकेमॉन सेंटर आना होगा, तो वो ट्रैवलिंग के लिए वहाँ से यहाँ आने तक बहुत सारा टाइम चला जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम पोशन ले ही लेते हैं। तो मैंने पोशन ले लिया है और हम फिर से अब वेरिडियन फॉरेस्ट में जा रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी से जाते हैं और आज इस एपिसोड में वेरिडियन फॉरेस्ट क्या हम बाहर चले ही जाएंगे। तो हम वेरिडियन फॉरेस्ट में वापस आ चुके हैं और चलो, हमने वो रास्ता देखा था सीधे जाने वाला, वहाँ पे ही फिर से चलते हैं जहाँ पे हमने पिजियोटो को पकड़ा था, क्योंकि मुझे लगता है शायद तो वही इस फॉरेस्ट का एग्ज़िट हो सकता है, मतलब वो उसी रास्ते से हम बाहर निकल सकते हैं इस फॉरेस्ट से। तो चलो वहीं से ही जल्दी जल्दी चलते हैं। तो मुझे लगता है कि यही से इस फॉरेस्ट का एग्ज़िट है, तो यही सही है। पहले हम ये बोर्ड पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है और फिर आगे चले जाएंगे। ओके, जो इस बोर्ड पे कुछ खास नहीं दिखा था, तो हम आगे चले जाएंगे, तो इससे हमें फाइट करनी होगी। तो इसके पास एक पोकेमॉन है और वो वही पोकेमॉन है जो हमें बार बार दिखता है, और इसकी लेवल बहुत ज़्यादा है, इसकी लेवल 9 है और हमारी लेवल सिर्फ 7 ही है, तो हमें उस पर भी ज़रा ध्यान देना होगा कि हमें लेवल मेंटेन रखनी होगी या ज़्यादा रखनी होगी। तो अगले एपिसोड में हम लेवल बढ़ाएंगे।
तो हमने इसे हरा दिया है और हम ये बैटल जीत चुके हैं। तो इसने हमें हमारे पैसे, मतलब बैटल जीतने के लिए पैसे दे दिए हैं और अब हम आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आगे और एक लड़की के साथ हमें फाइट करना होगा और फिर हम आगे जा सकते हैं। तो जल्दी से उससे फाइट कर लेते हैं। यह शायद हमें नहीं लग रहा है उससे फाइट करना, मतलब हमारे ऊपर है कि हम फाइट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो हमने फाइट नहीं किया है और हमारे सामने टीम रॉकेट आ चुकी है और उसे हमारा पिकाचू ही चाहिए। तो उसके साथ हम फाइट करने वाले हैं अभी। तो चलो फाइट करते हैं। ओके, तो अब हम ये बैटल डुओ बैटल करने वाले हैं, मतलब एक टाइम पे दो पोकेमोन के साथ बैटल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ओके, इजैक और कॉफिन कॉफिन, तो इन्होंने अपने अटैक कर दिए हैं और अब हमें हमारे अटैक करने हैं। पिजियोटू को हम घोस्ट घोस्ट अटैक देने वाले हैं और पिकाचू थंडर शॉक देने वाला है। तो जैक की हेल्थ कम हो रही है और कॉफिन ने टैकल अटैक किया है। पिकाचू ने थंडर शॉक दिया है इजैक को और पिजियोटू ने टैकल अटैक किया है। ओके, इजैक की हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, अब हम उसे जल्दी से हरा सकते हैं। कॉफिन ने पिजियोटू की हेल्थ बहुत कम कर दी है, तो अब हमें उसकी हेल्थ बढ़ानी होगी। हम पोशन यूज़ कर रहे हैं पिजियोटू के लिए। ओके, पिजियोटू की हेल्थ बढ़ गई है और पिकाचू ने इजैक पे थंडर शॉक अटैक कर दिया है और इजैक डाउन हो चुका है। अब हमें सिर्फ कॉफिन को ही बीट करना है और हमारे पिकाचू की हेल्थ पूरी कम हो चुकी है और अब बैटल सिर्फ पिजियोटू और इजैक में ही है। तो इस बैटल में हम कैटपी को भी ले लेंगे और वो उसके उसकी एबिलिटी भी टेस्ट कर लेंगे। सॉरी एवरीवन, बिकॉज़ हमारे सिस्टम में कुछ एरर आ गया था इसलिए वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और मैं ट्राई करूँगा आगे ऐसा नहीं हो। तो फ़िलहाल तो हमने टीम रॉकेट को हरा दिया है और अब वो यहाँ से जा चुके हैं। तो अब हम यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढते हैं। ये स्क्रीन देखो, ये स्क्रीन जो हिल रही है ना, ये हो रहा है क्योंकि हमारे कैटपी पे पॉइसन का अटैक हुआ था और हमारा पिकाचू भी डाउन है, इसलिए मुझे लगता है हमें पोकेमोन सेंटर जाना होगा और दोनों का ट्रीटमेंट कर लेना होगा, क्योंकि हमें अभी और भी बैटल्स करने हैं इस फॉरेस्ट में, क्योंकि ये फॉरेस्ट बहुत बड़ा है। तो कैटपी भी हमारा डाउन हो चुका है, तो हमारे पास सिर्फ पिजियोटू ही है। तो अब हम फ़िलहाल तो जल्दी से पोकेमोन सेंटर ही जाएंगे। तो चलो पोकेमोन सेंटर ही जाते हैं।
तो वेरिडियन फॉरेस्ट के बाहर हम आ चुके हैं रूट टू पे, तो जल्दी जल्दी से हम पोकेमॉन सेंटर जाते हैं। ये देखो पोकेमॉन सेंटर आ चुका है, जल्दी से अंदर चले जाते हैं और इनकी ट्रीटमेंट करके यहाँ से निकलते हैं। तो अब सब कुछ हो चुका है, तो जल्दी जल्दी से हम यहाँ फॉरेस्ट में चले जाते हैं जल्दी से। ओके चलो फॉरेस्ट में। तो फिलहाल हम फॉरेस्ट में पहुंच चुके हैं, तो उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से हम आए थे। तो चलो जल्दी जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर और एक बैटल होने वाला है। ओके ओके ये आ गया है और ओके ये कुछ अलग कह रहा है। ओके तो ये हमें कह रहा है कि ये एक समुराई है और ये हमारा ही इंतज़ार कर रहा था हमें यहाँ आने के लिए, और अब हम यहाँ पे आ चुके हैं और ये एक बग कैचर समुराई है, तो अब हमें इसे हराना होगा और आगे जाना होगा। तो ये एक बग टाइप पोकेमॉन है और इसका नाम है पिंसर। इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा है और ये कम हो ही नहीं रही है, थंडर शॉक यूज़ किया फिर भी कम इसकी हेल्थ हो ही नहीं रही है। तो मुझे लगता है हमें पोकेमॉन चेंज करना होगा, हमें पोकेमॉन चेंज ही करना होगा क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो हमारा पिकाचू की हेल्थ बहुत कम हो जाएगी। पर पिकाचू चेंज नहीं कर रहा दूसरे पोकेमॉन के साथ, इसलिए हमें पिकाचू के साथ ही खेलना होगा, पिकाचू हमारी बात ही नहीं सुन रहा है, तो हमें इसके साथ पिकाचू को लेकर ही फाइट करनी होगी। तो इसने हमारे पिकाचू को डाउन कर दिया है और अब हम पोकेमॉन चेंज कर सकते हैं। तो अब हम पीजीओटू के साथ इससे लड़ने वाले हैं। तो गोस्ट अटैक देने वाले हैं हम पिंसर को, तो उसकी हेल्थ बहुत कम हो चुकी है, पीजीओटू का अटैक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था और फिर से हम वही अटैक करेंगे। पिकाचू को हरा के उसने अपने आप को पैरालाइज कर दिया है और उसके वजह से वो ज़्यादा अटैक नहीं कर पा रहा है और उसकी हेल्थ अभी कम होने ही वाली है, तो वो डाउन हो चुका है अभी और ये हमारा अटैक सुपर इफ़ेक्टिव था।
तो अब हमारी हेल्थ बढ़ चुकी है, हमारी हेल्थ 9 हो चुकी है और 10 हो चुकी है अब हमारी हेल्थ उसे हरा के। तो PGO2 हमारा 10 लेवल का हो चुका है और अब हम इस फेरिडियन फॉरेस्ट से एग्ज़िट हो सकते हैं। तो हमें इस फॉरेस्ट का एग्ज़िट ढूंढना होगा। तो चलो चलते हैं, हमने इस समुराई को हरा दिया है। और नहीं, इसका एक पोकेमॉन बाकी है। तो इसका लास्ट पोकेमॉन है मेटापॉड, ये कैटोपी का दूसरा रूप है। तो मेटापॉल की हेल्थ कम हो चुकी है और अब हम कैटोपी से उसको उसकी फाइट करने वाले हैं, क्योंकि कैटोपी की हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए हम कैटोपी को मेटापॉड से लड़ाने वाले हैं, क्योंकि कैटोपी की हेल्थ बढ़ जाए। और कैटोपी ने उसको डाउन कर दिया है। और हम ये बैटल जीत चुके हैं और उसके वजह से हमारे कैटोपी की लेवल 6 हो चुकी है। तो चलो आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे एक घर है, तो अब हम पहले इस घर में जाएंगे। ये हमारे, ये बेसिकली पोकेमॉन सेंटर की तरह है। ये हमारे पिकाचू और कैटोपी और PGO2 की हेल्थ बढ़ा देगा। तो अब हमारे साथ तीनों पोकेमॉन के सारे पोकेमॉन की हेल्थ बढ़ चुकी है और अब हम आगे खेलने वाले हैं। तो पहले तो हम बाहर निकल जाते हैं। और चलते हैं। मुझे एग्ज़िट दिख चुका है इस फॉरेस्ट का और अब हम वहाँ पे ही जा रहे हैं। ये एक लास्ट फाइट है और इसके पास 3 पोकेमॉन हैं और हमारे पास भी 3 ही पोकेमॉन हैं। तो इसका पहला पोकेमॉन मेटापॉड है और इस बैटल में हम मेटापॉड की हेल्थ कम करके कैटोपी को उसके साथ फाइट करने वाले हैं। तो जल्दी से उसकी हेल्थ कम कर लेते हैं। तो कैटोपी को हमने शिफ्ट कर दिया है और उसके साथ इसकी फाइट करने वाले हैं अभी। तो हमारे कैटोपी ने उसे हरा दिया है और फिर से हम पोकेमॉन शिफ्ट करने वाले हैं। तो पिकाचू को बाहर ले लेते हैं और इसका दूसरा पोकेमॉन कैटोपी है और इसकी हम हेल्थ कम कर देंगे पहले तो, और फिर इसको अपने कैटोपी से लड़ाएंगे। तो इसकी हेल्थ बहुत कम हो चुकी है, अब हम इसे अपने कैटोपी से फाइट करवा सकते हैं।
तो हमने पोकेमॉन शिफ्ट कर दिए हैं। और कैटोपी हमारा बाहर आ चुका है और कैटोपी अभी टैकल अटैक हमारा करने वाला है। तो हमने उसको दूसरे कैटोपी को डाउन कर दिया है। अब हम पिकाचू के साथ फिर से वैसा ही करेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। और ये लास्ट पोकेमॉन कौन सा है? मेटापॉड। ये मेटापॉड लास्ट पोकेमॉन है इसका, तो इसे भी हरा देते हैं। तो इसकी हेल्थ हमने कम कर दी है। अब हम कैटोपी को ले लेते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। ओके, तो हमारे कैटोपी ने उसको अटैक कर दिया है और अब हमारा लास्ट बैटल इस वेरिडियन फॉरेस्ट का ख़त्म हो चुका है और अब हम इस वेरिडियन फॉरेस्ट से एग्ज़िट करने वाले हैं। तो हमारा कैटोपी अभी इवॉल्व हो रहा है तो हमारा कैटोपी इवॉल्व हो चुका है और मेटापॉड बन गया है। और अब हम इस फॉरेस्ट से बाहर निकलने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। अब कौन सा पोकेमॉन आ गया? ये वही पोकेमॉन है जो बार बार आता है हमारे सामने। एपिसोड यही तक। लिविंग वेरिडियन फॉरेस्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।